बुलेट से पहुंचे नामांकन कराने कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन, बरेली। 25 लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन ने बुलेट से कलेक्टरेट पहुंचकर कराया नामांकन। एरन की माने तो बार बरेली लोकसभा के खाते में जा रही है, जिले में उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। जनता इस बार बीजेपी प्रत्याशी संतोष गंगवार से नाराज है। संतोष गंगवार बरेली से 7 बार से सांसद है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो एक लोकसभा से इतनी बार जिले का प्रतिनिधित्व कर सके, मगर संतोष गंगवार ने जिले में किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया है, ना ही जिले में रोजगार के कोई अवसर पैदा कराए हैं। बरेली की सबसे बड़ी समस्या सीवकेला, ये भी कुछ नहीं किया है। इस बार जनता कांग्रेस में विश्वास कर रही है और इस बार कांग्रेस बरेली में अपना जीत का परचम लहराएगी। देखिए, बरेली की जनता को 7 बार के नाकारा सांसद से मुक्ति दिलाने का एकमात्र मुद्दा है यहाँ, तो क्योंकि बरेली की जनता ने 7 बार एमपी बनाया है, एक ऐसा इतिहास पुरुष बना दिया जो पूरे हिंदुस्तान में शायद मुश्किल से 20 लोग ऐसे होंगे। इतना बड़ा सम्मान माननीय संतोष गंगवार जी को दिया, और उस बरेली की जनता का अगर कहना चाहिए, मैं लोकल भाषा में बोलूं, तो बखिया उधेड़ दी उसकी। मतलब बेरोजगारी, कारखाने बंद कराना, किसानों की बदहाली, नौजवानों की इतनी बुरी हालत, मतलब अब तो ये है कि वो बार बार कहते हैं कि 4 लाख गंगवार है, कि 3 लाख गंगवार है। अब वो गंगवार में से बहुत सारे लोग अब वो ये कह रहे हैं कि एक गंगवार की नौकरी के चक्कर में हज़ारों नौजवान रोजगार जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। हज़ारों नौजवान, पिछले 35 साल की एक पूरी पीढ़ी गुजर गई दरी फट्टा बिछाते हुए इनके लिए, और कहीं कोई वो नहीं। मैं सीधा हूँ, मैं सरल हूँ, तो अब बड़ी सरलता से और सीधेपन से बरेली की जनता उनको उनसे मुक्ति चाहती है, और मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जनता की कृपा रहेगी, और 2009 की तरह एक बार फिर ये इतिहास दोहराया जाएगा। और माननीय संतोष जी को आठवां फेरा होता भी नहीं है, न वेदों में न पुराणों में, उनको 8वां फेरा जो है नहीं होने दिया जाएगा। आज के डेट में भी नहीं दिया। कांग्रेस अपना जो मैनिफेस्टो लाई है उसमें उन्होंने राजद्रोह हटाने की बात की, उस पर बीजेपी ने जो है वो कांग्रेस पर एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए हैं कि जो है देशद्रोह का काम कर रहे हैं आप, एक तरह से जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देंगे अगर राजद्रोह हटाएंगे। देखिए, अगर कोई मोदी जी या कोई भी और आज से 100 साल बाद भी और 100 साल पहले भी अगर ये सोचे कि मोदी जी की बुराई करना राष्ट्रद्रोह है, तो ये कोई बात किसी की समझ में नहीं आती। आज लोग सब समझ रहे हैं, लोग डर नहीं रहे। हमसे कितने लोग बरेली शहर में उसमें कह रहे हैं कि हम देंगे, लेकिन हमें ये डर है कि ये सरकार उत्पीड़न करेगी। तो वो कोई आदमी अगर उनके खिलाफ़ बोल दे, कोई आदमी इस मौलिक अधिकार को अपनी बात रखने के मौलिक अधिकार को कुछ 2 शब्द लिखने के, और तो और अगर व्हाट्सएप पे करते हैं तो एक पूरी फौज जो पेमेंट पे हज़ारों लोगों की फौज रख रखी है आईटी के लिए, ये रोज़गार दे रखा है कि तुम लोगों को लताड़ना शुरू कर दो, खदेड़ना शुरू कर दो। कोई अगर आप एक शब्द बीजेपी के खिलाफ डाल दें, मोदी जी के खिलाफ डाल दें, तो पूरी हल्ला। और माननीय मनमोहन सिंह जी इतने बुजुर्ग, इतने ईमानदार, जो सारी दुनिया जब बड़े बड़े सभासद की बड़ी गाड़ी खरीद लेता है, तो उस समय मनमोहन सिंह जी एक मारुति कार में घूम रहे थे, ऐसे मनमोहन जी के लिए क्या नहीं कह दिया। अब उसी तब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, तब आज़ादी थी, तो अब अगर कह दिया जाए तो वो देशद्रोह है। तो इस तरह के देशद्रोह को लोगों की बोलने की आज़ादी, लोगों के टेलीविज़न के थ्रू, लोगों के घरों में जासूसी करके टेलीविज़न में, वो जो है लोगों के घरों में जो टेलीविज़न है, अगर सरकार की यही नीतियाँ रहीं तो टेलीविज़न के अंदर लोगों को अपने बेडरूम में सुरक्षित रहना मुश्किल हो जाएगा, निजता का हनन है। ऐसी बातें कहना अगर देशद्रोह है, तो ऐसे सब कानूनों को हटा देना चाहिए जो आज़ाद जो सरकार देश की जनता के प्राइवेसी, उसकी निजता, और उसको अगर वो देशद्रोह कहते हैं, बोलने को देशद्रोह कहते हैं, तो वो हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है, धन्यवाद।